नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मोदी जी के अनमोल विचार बताऊंगी। अपने जीवन में न मैंने माँ बाप की दौलत पाई है और मुझे धन दौलत चाहिए भी नहीं। अगर मेरे पास कुछ है भी तो वो है मेरे माँ का दिया हुआ आशीर्वाद, जो मुझे हमेशा आगे बने की प्रेरणा देती है। समाज की सेवा करना यानी एक तरह से हमें एक तरह से अपने ऋण चुकाने का मौका है। मैं लोगों की शक्ति पर विश्वास करता हूँ, इसमें एक बेहतर समाज और राष्ट्र बनाने की क्षमता होती है। यदि 125 करोड़ लोग एक साथ काम करें, तो भारत 125 करोड़ कदम आगे बढ़ जाएगा। जितना अधिक आप मेरे ऊपर कीचड़ फेंकेंगे, उतना अधिक कमल खिलेगा। कुछ बनने के लिए सपने मत देखो, बल्कि कुछ ऐसा करके दिखाना है, ऐसा सपना देखना चाहिए। स्वच्छ भारत का सपना गांधी जी ने देखा था, आए इसे हम साकार करें। मैं एक छोटा आदमी हूँ और मैं छोटे छोटे लोगों के लिए बड़े बड़े काम करना चाहता हूँ। हमारी जिम्मेदारी देश को चलाने की ही नहीं, बल्कि देश के सभी लोगों को साथ में लेकर चलने की है। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, यह युद्ध से भी बदतर है। भारत ने अपने युद्धों की तुलना में आतंकवाद से ज्यादा लोगों को खोया है। कठिन परिश्रम कभी असफल नहीं होता, वह आपको संतुष्टि करता है। लोग हमारे बारे में सोचते हैं कि भारत देश सांपों का और काले जादू का देश है, लेकिन हमारे युवाओं ने अपने इस कौशल से विश्व को हैरान कर रखा है। डिजिटल इंडिया ही मेरा सपना है। एक सरकार वह होती है जो गरीबों के बारे में सोचती है और उनकी आवाज सुनती है। सरकार ने हमेशा गरीबों के लिए जीना चाहिए। मेरे लिए राजनीति कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि ये तो एक अभियान है। महात्मा गांधी ने कभी स्वच्छता के साथ समझौता नहीं किया, उन्होंने हमें आजादी दी, हमें उन्हें एक स्वच्छ भारत देना चाहिए। मुझे देश के लिए मरने का अवसर नहीं मिला है, लेकिन मुझे देश के लिए जीने का अवसर मिल गया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के पर दबाए। मैंने चाय बेची है, लेकिन कभी अपना देश नहीं बेचा। हमारा मंत्र है सबका साथ सबका विकास। अच्छे दिन आने वाले हैं। हमारे देश की सेना बात नहीं करती, रंग क्षेत्र में अपना पराक्रम दिखाती है। नोटबंदी से हमारे देश की जनता तो आज पहली बार चैन की सांस लेकर सोने जा रही है, जबकि कुछ लोग आज से नींद की गोलियां लेना शुरू कर देंगे। लोकतंत्र में जनता का ही फैसला सर्वमान्य होता है, जिसे मानना हम सबकी जिम्मेदारी है। जो हमारे दादा दादी ने किया, मेरे माँ बाप ने भी वैसा किया, क्या हमें भी वैसा करना चाहिए? इस सोच पर देश नहीं चलती। हम तो अपने बड़ों से मार्गदर्शन तो ले सकते हैं, लेकिन सोच और परिस्थिति तो अपने समय के हिसाब से होती है और उसी के अनुसार आगे बढ़ा जा सकता है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप एक दिन में 12 घंटे तो काम करेंगे तो मैं 13 घंटे काम करूंगा, अगर आप 13 घंटे तो मैं 14 घंटे, और आप 14 घंटे काम करेंगे तो मैं 15 घंटे काम करूंगा, क्योंकि मैं आप सबका प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक हूँ। कुछ बनने के लिए सपने मत देखो, बल्कि कुछ ऐसा करके दिखाना है, ऐसा सपना देखना चाहिए। हमारे द्वारा की गई कड़ी मेहनत कभी थकान नहीं लाती, बल्कि उसे पूरा करने से संतोष का आनंद प्राप्त होता है। हमारे द्वारा की गई कड़ी मेहनत कभी थकान नहीं लाती, बल्कि उसे पूरा करने से संतोष का आनंद प्राप्त होता है। हमारे मन की कोई समस्या नहीं होती, समस्या तो केवल हमारे मानसिकता की होती है, जिसकी उपज के लिए खुद हम जिम्मेदार होते हैं। हर इंसान के अंदर दो गुण होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा, और इंसान जिस पर अपना ध्यान लगाएगा वैसा ही बन जाएगा। मेरे जीवन का लक्ष्य ही सब कुछ है, पर मेरी महत्वाकांक्षा कुछ भी नहीं है। अगर मैं नगर निगम का अध्यक्ष भी होता तो भी मैं उतना ही मेहनत करता जितना कि आज मैं प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री होकर करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मोदी जी के अनमोल विचार बताऊंगी, भाग माइनस दो। राजनीति का कोई अंत नहीं होता। मेरे लिए धर्म का मतलब अपने काम के प्रति निष्ठावान और देश के प्रति समर्पण है। एक गरीब परिवार का बेटा भी अपनी बातें कह सकता है और अपने हक के लिए लड़ सकता है, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। मैंने चाय बेचा है, देश बेचना कभी नहीं सीखा है। करोड़ों लोगों का यह देश मिला है, कौन कहता है कि मोदी अकेला है? गुजरात का विकास मॉडल देश के विकास विकास का मॉडल हो सकता है। जब कोई कहता है कि पीएम कमजोर है, इसका मतलब यह नहीं है कि लोग उसके शारीरिक क्षमता के बारे में कह रहे हैं, बल्कि पीएम वो पद होता है जिसकी गरिमा कम हो गई है, और जिस कार्यालय में बैठता है वो कार्यालय सबसे सशक्त कार्यालय होता है, लेकिन वो कार्यालय की शक्ति खत्म सी हो गई है। हम स्किल्ड इंडिया चाहते हैं, किसी भी लोकतंत्र के लिए राजवंश घातक सिद्ध होता है। आप इतिहास उठाकर देख सकते हैं, मोदी सरकार विरोधी ताकतों का सिर्फ एक ही एजेंडा है, मोदी को रोको। लोकतंत्र में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, बल्कि यहाँ यही प्रतिस्पर्धा होती है कि देश के विकास के लिए कौन अधिक से अधिक अच्छा कार्य कर सकता है। एक गरीब कभी मुफ्त की नहीं खाना चाहता, उसे तो सिर्फ अपने काम के बदले पैसे लेना चाहता है। और इस देश के गरीब में वो ताकत है, यदि उसे काम करने का मौका मिले तो बंजर मिट्टी से भी सोना उगा सकता है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए।
सब्सक्राइब के बटन पर दबाए और उसके बाद घंटी के पर दबाए, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। लगातार जो चलते हैं वही मीठा फल पाते हैं। सूरज की अटलता देखो, लगातार गतिशील और निरंतर चलने वाला, कभी नहीं रुकने वाला। इसलिए हमें भी हमेशा आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। मैं न तो मुफ्त में भोजन दूंगा और न मुफ्त में पानी, बल्कि मैं रोजगार के लिए इतने अवसर लाऊंगा और भारत देश के युवाओं को इतना सक्षम बनाऊंगा कि देश का हर नौजवान अपने स्वाभिमान से अपना पेट भर सकेगा और दूसरों के प्यास बुझा सकेगा। किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए उसका घोषणा पत्र गीता और कुरान की तरह होना चाहिए। हमारा दिमाग कभी मुश्किलें पैदा नहीं करता, हमारी सोच मुश्किलें पैदा करती है। क्या मुझे कोई बता सकता है कि हम क्या कर रहे हैं? क्या हमने कभी अपने आप से पूछा कि हम जो भी काम कर रहे हैं, क्या वह गरीबों या देश के लिए फायदेमंद है? हम हमेशा यही सोचते हैं कि मैं देश के बारे में क्यों सोचूं। हमारा यही रवैया देश की प्रगति में सबसे बड़ी रुकावट है। हम में से हर एक के पास आग की तरह बढ़ने की शक्ति है, तो क्यों ना हम इस शक्ति का उपयोग करें। मेरा संघर्ष ही जीवन को फाइल में ले जाना है। हमने साथ में आजादी की लड़ाई लड़ी। हमारे पास तब कोई सरकार नहीं थी, मदद के लिए कोई हथियार नहीं थे। हमसे उस समय विश्व के सबसे बड़े साम्राज्य को बिना किसी सरकार के, बिना किसी हथियार के पराजित किया था। हमने साथ में आजादी की लड़ाई लड़ी। हमारे पास तब कोई सरकार नहीं थी, मदद के लिए कोई हथियार नहीं थे। हमसे उस समय विश्व के सबसे बड़े साम्राज्य को बिना किसी सरकार के, बिना किसी हथियार के पराजित किया था। पश्चिम में लोगों ने भारतीयों के प्रति एक गलत धारणा बना रखी है, क्योंकि हम पेड़ों की पूजा करते हैं। हम पेड़ों को देवी देवता का नाम देते हैं और फिर भी उन्हें काट देते हैं। इसी तरह हिंदू देवता किसी न किसी जानवर, पक्षी या पेड़ से संबंधित होते हैं। ये हमें उनका सम्मान करना सिखाता हो। मैं खुश हूँ कि मुझे भी उम्मीदों के पैमाने पर आंका गया है, न कि यश अपयश के पैमाने पर। हम किसी व्यक्ति की सनक के हिसाब से सरकार नहीं चलाते। हमारा विकास सुधारों द्वारा संचालित है, हमारी सुधार नीति द्वारा संचालित है और हमारी नीतियां लोगों द्वारा संचालित है। समाज की सेवा करने का अवसर मिलना मतलब देश के प्रति अपने कर्ज को चुकाने के बराबर है। हम में से हर एक के पास या तो अच्छे गुण है या बुरे गुण है, लेकिन जिन्होंने अच्छे गुणों पर ध्यान केंद्रित किया, उन्होंने निश्चित ही सफलता प्राप्त की। दुनिया बदल चुकी है। भारत अब किसी कोने में नहीं बैठा दिखेगा। अब भारत अपना भविष्य निर्मित करेगा। सरकार किसी एक की विशेष पार्टी नहीं होती, बल्कि ये लोकतंत्र में सभी लोगों के लिए होती है। डरते वही हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं। मैं तो अपने भारतवर्ष की छवि के लिए मरता हूँ, इसलिए किसी से नहीं डरता हूँ। धन्यवाद।